पाठ पांच जीव विज्ञान का जो आखिरी पाठ है, और इसमें आपका पांच टॉपिक है। तो टॉपिक नंबर फाइव का ए पहला टॉपिक है, पाठ का नाम है पर्यावरण, उसके संसाधन और उनका संरक्षण। तो पहला टॉपिक जो है पांच का ए का, इसमें नाइट्रोजन चक्र है। क्या जानते हैं नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन को देखे हैं? नाइट्रोजन को हम लोग क्यों नहीं देखे हैं? ये हवा है। हाँ, हवा का हम एहसास करते हैं, देखते नहीं है। बताइए तो हवा कितना है? ये इस कमरे में हवा है। इस कमरे को अगर 100% मान लिया जाए, पूरा 100, इसमें कितना हिस्सा हवा होगा? ये कोना थोड़ा सा छोड़कर ना, पूरा का पूरा हवा है, नाइट्रोजन है। 78.09%, मतलब हवा का अगर 100 मान लिया जाए तो 78%, समझा रहा, लगभग 80% पकड़ के चलिए, 80% हवा क्या है? हवा का 80% नाइट्रोजन है। तो बचा कितना? 20% ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ऐसे है। तो समझ में आ रहा है ज़्यादा ज़्यादा कितना है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, लाइफ साइंस का जो पार्ट है, शब्दों को खाली है, यहाँ सिर्फ शब्द है। शब्द को पढ़ लो, अच्छा से पढ़ना है, याद रखना है। और शब्दों का मतलब आपको नहीं मालूम है तो आपको शब्दों का मतलब मालूम करना है। ये सब आप जानते हो, आप देखे हो, एहसास किए हो। जैसे कि नाइट्रोजन का हमने एहसास किया है, आप सिर्फ जान गए कि क्या जाने कि ये शरीर में लगने वाला हवा में अधिकतर क्या है? नाइट्रोजन है, क्योंकि 78% है ये। अब इसका चक्र है, नाइट्रोजन चक्र। चक्र का मतलब साइकिल का पहिया, गोल गोल घूमना। साइकिल का पहिया तो एक ही जगह घूमता है, एक गोल में एक ही जगह बड़े दूर लेके चला जाता है हम लोग को। हर जीवन में हर चीज ना एक साइकिल के पहिए की तरह है, गोल घूमता है, चक्र की तरह। पानी को ले लीजिए, समुद्र में गर्मी लगा ऊपर गया है ना, ठंडा होगा फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ऐसे ही होता रहता है ना, गोल गोल। इसी तरह से नाइट्रोजन भी गोल गोल घूमता है, एक चक्र है। कहाँ से कैसे? हवा में है, वहाँ से आपका बिजली कड़का, कड़कने के बाद मिट्टी में आया, मिट्टी से पौधा में आया, पौधा वौधा के बाद फिर ऊपर चला गया। इस तरह चक्र है। यही इस चैप्टर का टॉपिक नंबर फाइव का ए है। तो हम इसमें जो शब्द देखने जा रहे हैं, खूब ख्याल से गौर से करें। पहला शब्द देखें हम इस वक्त, नाइट्रोजन चक्र। अब इसके अंदर जब घुस रहे हैं तो आपको बहुत सारा शब्द मिलेगा, दो चार शब्द, इसको आपको समझना पड़ेगा, शब्द को रखना पड़ेगा अपने पास। एक शब्द मिला वातावरण। वातावरण जानते हैं हम लोग, हम जहाँ पर है, जिसके अंदर है, सब कुछ हमारे सही, सब कुछ मिलाकर जो कुछ भी, सबको वातावरण बोलते हैं। धरती आसमान सब लेकर और हमारा शरीर सब कुछ मिलाकर किस में कौन है ये? सबको वातावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वातावरण के जैविक अजैविक, जैविक में हम लोग आ गए, अजैविक में पहाड़ दीवार ये सब आ गया, मिट्टी आ गया। जैविक अजैविक अवयव, अवयव मतलब घटक, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, पहाड़ पर्वत मिट्टी सब क्या बोलेंगे? हवा, अवयव बोलेंगे, ठीक है। तो वातावरण के जैविक एवं अजैविक अवयव के बीच एक चक्रीय पथ में, चक्के की गोलाई में एक चक्रीय नाइट्रोजन का संचित नाम का N2 नाइट्रोजन प्रवाहित होती रहती है। तो इस चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पेंसिल से दाग लगाना चाहिए, एक चक्रीय पथ में, एक चक्रीय पथ में दाग लगा लीजिए। तो एक चक्रीय पथ में मतलब एक चक्के के आकार में घूमना, ठीक है, गोल गोल। तो अब ऐसे बोल सकते हो, अब आप अपने हिसाब से इसे बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन चक्र का है। एक चक्रीय पथ में नाइट्रोजन, एक चक्रीय पथ में नाइट्रोजन क्या करता है? जैव अजैव पदार्थों से, जैव अजैव अवयव, अवयव ये वर्ड याद रखेंगे, अवयव है, जैव अजैव अवयव से होकर प्रवाहित होता रहता है। समझा? इस चक्र को क्या बोलते हैं? चक्र कहते हैं। तो जो ये प्रवाहित होता है तो इसके विभिन्न अवस्था है।
जैसे हम कहें कि बरसात वाला ही, कि वर्षा होता है कैसे, समुद्र पानी है, पानी वाष्प बन ऊपर गया, ऊपर जाकर फिर ठंडा होगा, घना होगा, फिर नीचे गिरा, है ना, गोल गोल जा रहा है। इसमें बहुत सारा नदी आ जाएगा, सागर हो गया, पानी गर्म है तो वाष्प हो गया, ये सब है ना, ये सब का अवस्था बोल सकते हैं हम जगह जगह। तो नाइट्रोजन चक्र के भी पानी जैसे अवस्था क्या आती है, ठंडा ठंडा होने पर क्या हो जाएगा, वो पानी बर्फ हो रहा है, फिर जाके पानी हो रहा है, वाष्प हो रहा है, सब अवस्था है ना। तो नाइट्रोजन जैसे जल का अवस्था है तीन, समझ लीजिए आप, जल का तीन अवस्था, जल पानी तरल रूप में, ठोस रूप में और गैस, ये तीन अवस्था हुआ ना। ठीक, उसे नाइट्रोजन चक्र का भी अवस्था है, जिसे बोलते हैं चरण स्टेप। तो नाइट्रोजन चक्र की चार अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, अब तो हम नाइट्रोजन को एहसास किए कि नाइट्रोजन हवा है, ये एक चक्र के माध्यम से गुजरता रहता है, ये पता चला हमें। अब चार अवस्थाओं का नाम आपको ये बताना चाहिए, याद कर लेना है, विज्ञानी को द्वारा दिया गया ये नाम है, इसको हम जान लेंगे और जिंदगी में होता है, घटित होता है। अब ये समझेंगे कि जिस किस घटना को ये नाम दिया गया है। तो पहला नाम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हमने एहसास किया, देखे होंगे, और तो गौर करेंगे, अब फिर उसको हम बता देंगे कि ओ इसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, समझे। इसके बाद क्या है, अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। अब इसको याद करना चाह रहे हो, क्या करना है, सिर्फ पढ़ेंगे, आराम से इसको पढ़कर दिमाग तक पहुंचाओ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ये एहसास करेगा, एक जैसा शब्द को पकड़ेगा, देखो नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, सिर्फ डी सामने आ गया ना, है ना। अगला फिर से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, स्थिरीकरण, अमोनीकरण, देख रहे हो हल्का सा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, पांच वैसे सहज ही पढ़ेंगे, दिमाग में लगभग आ गया। आने के बाद अब ये क्रम से होना चाहिए, एक के बाद एक, जैसे कि पानी है तरल, ठंडा होगा तो क्या बनेगा, बर्फ, हवा तो गैस तो वापस नहीं ना बनेगा, स्टेप है, इसके बाद बर्फ, बर्फ के बाद वापस, ये बोलना, इसलिए चारों स्टेप भाई आगे पीछे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसको आप जोड़ लेंगे, एक साथ एक शब्द बनाएंगे। अब अनाड़ी समझते हैं, अनाड़ी जो किसी काम को करने का हुनर नहीं है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैसे तो री नहीं है, र में बिंदी लगता है, पर उस तरह से देखिए, ना अनाड़ी, ना अनाड़ी, सबका मैं पहला अक्षर बोल रहा हूँ, ना अनाड़ी। तो बोलेंगे नाइट्रोजन चक्र के चरण क्या है, ना अनाड़ी, ना अनाड़ी, ना माने नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और माने अमोनीकरण, ना अनाड़ी, अ का अमोनीकरण, ना का फिर नाइट्रिफिकेशन, और डी का डीनाइट्रिफिकेशन। अनाड़ी में रॉ बोल रहे हैं पर यहाँ रॉ नहीं है, इतना तो हम समझ जाएंगे, इंग्लिश में लिखोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है ना अनाड़ी, चाहे हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी लिखना अच्छा रहेगा, ना अनाड़ी। अब इसके बगल में आपको जो खाली जगह है ना, वो छोटा सा चार शब्द लिख लो, चार शब्द का एक, चार अक्षर का एक शब्द बना लो, ना लिखो, ना अ नाड़ी, छोटा करके पेंसिल से लिख लीजिए, मात्रा जैसे है डी में उसी तरह लिखेंगे। अब ये काम करिए, पहले पहले एक नंबर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, उसका ना को गोल करिए पेंसिल से, ना को गोल करिए, हो गया। दूसरा क्या है, अमोनीकरण है, अ को गोल करिए। तीसरा है नाइट्रिफिकेशन, ना को गोल करिए। चौथा है डी नाइट्रिफिकेशन, डी को गोल करिए। आप चारों को एक साथ मिलाकर बनेंगे, क्या हो गया, ना अनाड़ी, समझे, इसी को मैं बोला हूं बगल में लिखने के लिए। अब लिख लीजिए,
अब आप इसको तोड़ेंगे, जैसे क से कबूतर, ऐसे पढ़े ना बचपन में, तो ना नाड़ी, अब नाइट्रोजन चक्र के चरण जब बोलेंगे तो आपके दिमाग में ना अनाड़ी आना चाहिए। अब ना से अब तोड़ेंगे, ना से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अ से अमोनीकरण, ना से फिर नाइट्रिफिकेशन, और डी से डी नाइट्रिफिकेशन, ना अनाड़ी। अब समझ में आ गया। अब हम ये देखने वाले कि भाई जब हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ये हम प्रकृति में देखे हैं आँखों से या एहसास किए हैं, कुछ चीज़ उसका ही नाम है। देखते हैं क्या एहसास आप पहले किए हो कि नहीं किए हो, या नज़रअंदाज कर दिए हो, तो इसको आपको दिमाग में बैठाना है। देखते हैं आगे, उसके बाद है नाइट्रोफिकेशन, है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्र क्या हो गया, इस कौन सा वर्ड इसमें याद रखना है, एक चक्रीय पथ, एक चक्रीय पथ में नाइट्रोजन प्रभावित होता रहता है, इसे नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। और कहाँ से प्रभावित होता है, अगर भूल गए आप नहीं बोल पाओ तो इसमें आसान है, जैव अजैव अवयव से होकर, जैव अजैव, कहाँ का जैव अजैव, तो वातावरण के, वातावरण के जैव अजैव घटकों से होकर या अवयव से होकर नाइट्रोजन एक चक्रीय पथ में नाइट्रोजन जैव अजैव अवयव से होकर गुजरता रहता है, प्रभावित होता रहता है, इसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस पथ को नाइट्रोजन चक्र के कितने चरण हैं, तो चार हैं। कौन कौन, ना नाड़ी, क्या है ना नाड़ी, ना से अ से, बहुत अच्छा, फिर अ से ना अनाड़ी, फिर अ से ना से, ना से नाटिफिकेशन, डी से हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, अब इसके बारे में आते हैं। ना नाड़ी का ना गौर करिए, तब नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन, वायुमंडल जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित होता है। यह तीन तरीके से होता है। इस शब्द में देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह क्रिया है, मतलब उस क्रिया का नाम दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब फिक्स हो जाना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह क्रिया है कौन सा, जिसके द्वारा वायुमंडल का नाइट्रोजन, वायुमंडल कितना नाइट्रोजन है, 78.0109%, ये नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाता है। अब यौगिक क्या होता है, जैसे हवा में क्या है, ऑक्सीजन, हमने जाना ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल जाते हैं तो यौगिक बन जाता है जल, H2O, समझे। जो जल है ना, इसको क्या बोलेंगे, यौगिक, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर यौगिक क्या चीज़, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक, समझे ना। इसी तरह हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीजन का यौगिक, हाइड्रोजन को नहीं बोलेंगे तभी चलेगा, फिर हाइड्रोजन का यौगिक बोल सकते हैं, नाइट्रोजन नहीं बोलेंगे तब चलेगा, ठीक है। यौगिक तो है ना, इसमें मिला हुआ है ना, ठीक। उसी तरह नाइट्रोजन के यौगिक, आप समझ रहे हैं, उसे कुछ बन जाता है ठोस जैसा, है ना। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह क्रिया है वह जिसके द्वारा वायुमंडल का नाइट्रोजन, जिसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन बोला, वायुमंडल का नाइट्रोजन बोल सकते हैं आप, वायुमंडल का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा पेंसिल से, नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित, नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित, और एक वर्ड और क्रिया में भी दखला दीजिए, क्रिया, क्रिया, क्रिया में अंडरलाइन कर लेंगे। अब आप इसको आराम से सहज ही बोल सकते हो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, एक चीज याद रखो, क्रिया है, ये प्रोसेस है, विधि है, जैसे कलम, कलम विधि है, नाम है, नाउन है, पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, नाम नाउन नहीं है, ये विधि का नाम है, जैसे खाना पकाना, पकाना विधि है ना, क्रिया है। तब इसको ऐसे बोल सकते हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह क्रिया है, बिना देखे ही अपने मन से बोल सकते हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह क्रिया है क्या है, जिसके द्वारा वर्ड, फिर दूसरा वर्ड क्या था, नाइट्रोजन के यौगिक, है ना, वायुमंडल का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब चाहे इधर इधर से भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यौगिक में जिस क्रिया से
नाइट्रोजन बदल जाता है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। समझा गया? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिक में जिस क्रिया से बदल जाता है उस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो नाइट्रोजन बदल जाएगा नाइट्रोजन यौगिक में, हो गया। तो कहाँ का नाइट्रोजन? तो वायुमंडल का नाइट्रोजन। वायुमंडल का नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाता है जिस क्रिया से बदल जाता है उस क्रिया को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये तीन तरीका से बदलता है। इसका तरीका कितना है? तीन। पहला तरीका क्या है? देखिए क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, कैसा तरीका है यहाँ देख क्या है? यह तड़ित, ये बिजली चमकता है ना, बिजली का चमकना तड़ित, ठीक है, लाइटनिंग। तो यह तड़ित क्रिया द्वारा होता है। अब हवा में नाइट्रोजन है, पता क्या हवा में नाइट्रोजन है? तो कड़का बिजली, पहले देखिए ये यहाँ पर पूरा नाइट्रोजन है, अब कैसे प्रोसेस हो रहा है, इसका चक्र में कैसे घूम रहा है ये देख रहे हैं ना। सबसे पहले होता क्या? बिजली का कड़कना, कड़क कड़क करेगा। तो बिजली कड़कने से क्या होता है देखिए, इसमें N2 देख रहे हैं, O2, ऑक्सीजन कितना है? 20% है ना, लगभग 20, लगभग 20% है। नाइट्रोजन 78.01% और ऑक्सीजन, ये दोनों ज्यादा है ना। तो बिजली कड़कने से इसमें N2 और O2 क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना। तो वर्षा के जल से मिलकर नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड अंडरलाइन कर लीजिए, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3, और HNO2 भी दाग लगा लीजिएगा और HNO3 भी दाग लगाएंगे, नाइट्रिक एसिड के रूप में मिट्टी में संचित हो जाता है। ये देखो यौगिक बन गया, मिट्टी में आकर मिल गया। क्या किस में बदला? बिजली कड़कने से वर्षा के जल में। बिजली कड़कता है, बरसात होता है, तो बिजली कड़कता है और वर्षा होता है, तो इसमें क्या होता है? वर्षा मतलब क्या? पानी, पानी का मतलब H2O, इसमें H भी है और O भी है, तो नाइट्रोजन इसके O से मिल जाता है, मिलकर क्या में बदल जाता है? नाइट्रोजन में क्या है? एन है ना, नाइट्रोजन का एन है। अब वर्षा के जल में क्या है? H2O, ये आपस से मिलते हैं तो क्या बन जाता है? देखो HNO2 यही ना है, HNO3 यही ना है, तो इसमें क्या याद रखेंगे? अब वर्षा का जल याद रखो बस, वर्षा जल दाग लगा लिए, और तड़ित में तो दाग लगा हुआ है, बिजली कपना, तड़ित विद्युत चमकना, तड़ित हो गया, वर्षा के जल हो गया, फिर आपका नाइट्रिक नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, चार जगह दाग लगाए हो, कौन कौन? तड़ित, दूसरा वर्षा के जल, तीसरा नाइट्रस एसिड HNO2, चौथा नाइट्रिक एसिड HNO3। बचपन से आप HNO3 पढ़े हो, तो HNO3 हो गया, HNO2, अगर भूल जाते हो आप नाइट्रस एसिड, तो HNO2 तो याद रहेगा ही। HNO2 में क्या क्या है? एच और ओ तो जल में मिलता है, जल H2O से बना है ना, जल में क्या मिल गया? H2O, एच जल का है, ओ भी जल का है, और नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन मिल गया उसमें बिजली कड़कने से। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहला प्रोसेस क्या हो गया? पहला में क्या बोलेंगे कि बिजली कड़कने से वर्षा के जल के साथ नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाता है? HNO2 और HNO3 के रूप में बदलकर, या HNO3 बनाता है और उसके बाद ये जाकर किसमें मिल जाएगा? ऊपर से बरसात हो तो नीचे नहीं गिरेगा, मिट्टी में मिल जाता है। समझ में आ गया? तो क्या क्या हुआ इसमें सिंपल में, अगर देखो यहाँ पर जो बोला गया है ना, थोड़ा
ठूस ठूस कर एक साथ बोला गया। आपको आराम से बोलना है, आराम से बोलोगे बिजली कड़कता है एक प्रोसेस। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या समझते हो? वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या समझते हो, है ना? आराम से बोल लिख सकते हो। बिजली कड़कने से क्या होता है? बिजली कड़कने से नाइट्रोजन वर्षा के जल में मिल जाता है। अब बिजली कड़कना कब हो गया? जब वर्षा तो तब ना, बिजली कड़क कर वर्षा होने पर, ऐसे ही बोल सकते हो, बिजली कड़क कर वर्षा होने पर वर्षा के जल में नाइट्रोजन मिल जाता है। मिलकर क्या बनाता है? नाइट्रस एसिड HNO2 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाकर मिट्टी में जाकर मिल जाता है। हो गया। अभी कहाँ से कहाँ में गया? हवा से कहाँ चला गया? मिट्टी में। देखो अब चक्र चालू हो गया है। पहले हवा में था, हवा से अब कहाँ गया? इसका मतलब कि हवा खाली हो गया ऐसा नहीं, हवा में नाइट्रोजन है, कुछ हिस्सा आ गया इसमें, ठीक है? तो हवा हो गया, हवा से मिट्टी में आ गया, अब इसको बोला गया, क्या नाम दिया गया है इस विधि का? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब स्थिर हो गया, एक जगह आ गया। हवा में तो कोई स्थिर है क्या? यहाँ का हवा वहाँ गया, हवा तो स्थिर नहीं है ना, चंचल है, और मिट्टी तो चंचल नहीं है ना। किस रूप में स्थिर हो गया? HNO2 और HNO3। कैसे भी पूछ सकते हैं आपको, किस रूप में स्थिर हो गया, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है? अब आगे बढ़े हम, आगे क्या है दूसरा प्रोसेस? देखो ये आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तीन प्रोसेस है, बोलना मत, तीन तरीकों में दाग लगा लीजिए, तीन तरीकों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तीन तरीका है। इसमें सिर्फ आप अंदर का को भले याद ना हो पर नाम याद रखना चाहिए। पहला तरीका क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो ऊपर में है ही लिखा हुआ, इसके सामने क्या आ गया है? वायुमंडलीय। तो वायुमंडल गोल कर लीजिए, तो वायुमंडलीय पहला स्टेप, वायुमंडलीय जोड़ देंगे तो पहला स्टेप हुआ। तीन स्टेप है, ठीक है, तीन चरण। तो पहला स्टेप क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल का नाइट्रोजन स्थिर हो जाता है कैसे? जब बिजली कड़क कर वर्षा होता है तो बरसात के जल में, वर्षा के जल में नाइट्रोजन मिलकर HNO2 HNO3 बनाता है और जाकर मिट्टी में मिल जाता है। हो गया। अगला स्टेप, पहला स्टेप हो गया, पहला कर चरण। दूसरा है जियो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ख्याल कर रहे हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो है ही, सामने क्या आ गया? जियो। जियो गोल कर लीजिए। तब अब इसमें क्या होता है देखिए अच्छा से, ये जब जीवों का नाम लिखा गया याद रखना पड़ेगा, यही पूछा जाता है बीच बीच में, शॉर्ट क्वेश्चन। यह स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी मतलब जीवाणु। स्वतंत्र किसको बोलेंगे? हम लोग स्वतंत्र नहीं है, हम लोग अपना खाना किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों। सोचो जो कुछ भी खाते हो, जो भी रूप में खाते हो, सब पेड़ का बना हुआ है। अगर आप बकरी भी खाते हैं या कुछ और घास वास भी खाते, सब पौधा का ही है, क्योंकि बकरी घास खाता है, घास खाने से उसका बना ऑटोमेटिक, आप वही ना खा रहे हो। तो क्या है यह स्वतंत्र जीवी? पर हम लोग स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। स्वतंत्र कौन है? कुछ ऐसे जीव हैं, बहुत छोटे छोटे, जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है? तो वो जो है ना स्वतंत्र होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि पेड़ पौधा खुद अपना भोजन बनाता है, ऐसे, समझ में आया? उन जीवों के बारे में बात करा जा रहा है। तो क्या हुआ, यह स्वतंत्र जीवी जीवाणु, जैसे इसका नाम है, क्या नाम बताइए? जैसे एजोटो बैक्टर क्लोस्ट्रिडियम। अब डीएम में अगर छोटी की मात्रा है, बड़ी मात्रा कर दिए तो गलत नहीं होगा, कोर्ट की तरफ से ये छूट है। अंग्रेजी वर्ड जब आप हिंदी में लिखते हो तो मात्रा इधर का उधर हो जाएगा, तो गलत नहीं समझा जाएगा, ठीक है? तो एजोटो वेक्टर क्लोस्ट्रिडियम, ये इसका ये हुआ स्वतंत्र जीवाणु। इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? स्वतंत्र जीवी जीवाणु, स्वतंत्र जीवी जीवाणु। उसके बाद है सहजीवी जीवाणु, क्या है? जो एक दूसरे की मदद से जीते हैं, ठीक है, सहजीवी जीवाणु। इसका नाम क्या है? राइजोबियम। क्या नाम है? और
तीसरा है नीलहरित शैवाल, क्या है? जैसे एना बीना, नो स्टॉक, ये सभी ने एक तरह से शतरंज जीवी है, अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है, हिम्मत इनमें। तो ये सब देख रहे हैं जीवाणु है, कौन कौन हुआ इसमें याद रखना पड़ेगा, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, नीलहरित शैवाल, जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीव में आ जाएगा ये तीन तरह के, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, नीलहरित शैवाल। दाग लगा लीजिए, इधर तो दाग लगा हुआ है पर आप उसमें लगाइए, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, नीलहरित जीवाणु, शैवाल, समझ में आ गया? कम से कम इनका उदाहरण आप याद रखिएगा, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबिना, हो गया? तो जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसा होता है, यह स्वतंत्र, अब मैं उसका अंदर का ना पढ़कर केवल बाहर वाला पढ़ रहा हूँ, कोष्ठ के अंदर नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। यह स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु तथा नील हरित शैवाल द्वारा होता है। तो मिट्टी में आकर मिला, मिट्टी में ये लोग हैं पहले से, ये लोग फिर उसको ले लेते हैं मिट्टी से, समझे? मिट्टी से क्या लेते हैं, HNO2, HNO3, इसको ले लेते हैं, कौन कौन? स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, नील हरित शैवाल, ले लिए। इससे में उपर्युक्त जीवाणु, जो ऊपर के जीवाणु का नाम बताया गया है, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, नील हरित जीवाणु, शैवाल और शैवाल, दो तरह का जीवाणु में दो का हो गया, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु, और शैवाल में हो गया नील हरित शैवाल, है ना? शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, किसे बदल देते हैं? नाइट्रोजन के यौगिक में, मरने के बाद मिट्टी में संचित हो जाता है। अब ये भी क्या किए हैं, ये क्या हुए हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के यौगिक में, इसका मतलब समझ रहे हैं हम लोग? जैसे कि वहां पर क्या, यहाँ पर पौधे देखिए, हमने कहा कि ऊपर के HNO2 HNO3 को ले लेते हैं, नहीं, HNO2 HNO3 को नहीं लेते, वो तो अलग प्रोसेस हो गया। पहला क्या था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का तीन भाग है ना, पहला भाग वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब मिट्टी में मिल जाता है, किस प्रोसेस से, पानी से मिलता है, नाइट्रोजन बरसात से मिलकर HNO2 HNO3 में मिट्टी में मिल गया, एक ही प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस बोले डायरेक्ट, जो नाइट्रोजन वो फिल कर सकते हैं, उसको खा नहीं सकते हैं, उसका यूज नहीं कर सकते, शरीर में आपका नहीं उस तरह से यूज होगा, पर कुछ जीवाणु है जो सीधे ले लेते हैं, तीनों तीन तरह के जीवाणु, कौन कौन जीवाणु, दो तरह के हैं और शैवाल, जो सीधे नाइट्रोजन को अपना ग्रहण करके भोजन बना लेते हैं, समझे? कौन कौन है, एक है स्वतंत्र जीवी जीवाणु, दूसरा है सहजीवी जीवाणु और नील हरित शैवाल। ये सीधा वायुमंडल का जो 78.09% है हवा, उसमें से कुछ सीधा ले लेते हैं, लेकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, और फिर ये जब मरते हैं तो इनका फिर मिट्टी मिल जाता है, शरीर सरगल का मिट्टी मिल जाएगा। अब समझ में आ गया, तो ये HNO3 HNO2 नहीं लेते हैं, हाँ ये अपने तरीका से करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या पड़ा? तो पहला प्रोसेस क्या होता, वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है किसके माध्यम से, या वायुमंडल, इसको बोलते वायुमंडलीय बोला गया, वायुमंडल घटक बिजली कड़कना इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा बिजली करना मेन था, खाली पानी पड़ने से नहीं होता है, बिजली कड़कना के बाद ये घटना हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा था, जीव, जीव में इनका नाम जरूर याद रखना पड़ेगा आपको, स्वतंत्र जीवी जीवाणु में एजोटोबैक्टर, क्लो क्लो स्ट्रीडियम, और सजीवी जीवाणु में राइजोबियम, अनिल जीवाणु शैवाल में एनाबिना, अनोस्टॉक, हो गया। अब आते हैं आगे, तीसरा औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, क्या है,
औद्योगिक बने, औद्योगिक में गोल कर लीजिए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आप तीन को पहला याद रख सकते हो, वायुमंडलीय, जीव, औद्योगिक, इन्हें तीनों में औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या है? यह हाइड्रोजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन। देखिए वायुमंडल में यही सब ना गैस है, नाइट्रोजन हुआ। पहला वाला में कौन कौन गैस काम आया? ऑक्सीजन काम आया, हाइड्रोजन काम हुआ, सब मिलकर बना ना H3। दूसरा वाला में क्या था? कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन काम नहीं था, खाली नाइट्रोजन था और जीवाणु था, जीवाणु और नील हरित, यही ना था। और तीसरा में क्या? फिर हाइड्रोजन आ गया। तो पहला वाला में N2O+O दिखा हुआ था ना, मेन देखिए N2+O2 है था ना। ऊपर वाला मुख्य रूप से बोलेंगे तो ऑक्सीजन बोल सकते हैं वायु, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन वाला, इसमें जीवाणु और शैवाल, तीसरा क्या है? हाइड्रोजन आ गया। इसमें देखते हैं, यह हाइड्रोजन द्वारा होता है। इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से बंधित कर अमोनिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। संकेत क्या है? NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, जो खाद के रूप में मिट्टी में संचित हो जाता है। अमोनिया खाद के रूप में मिल जाता है, हो गया। यहाँ अमोनिया दाग लगा लेंगे आप, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन दाग लगा ही हुआ है, हो गया। तो क्या लिखेंगे? औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है कि हाइड्रोजन अमोनिया के रूप में स्थिरीकरण कर लेता है, ठीक है, स्थिरीकरण होता है, ये हुआ औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस तीनों माध्यम से नाइट्रोजन हवा में था, अब कहाँ आ गया? मिट्टी में संचित हो जाता, सब में देखो मिट्टी में संचित हो जाता है, सब में मिट्टी में संचित हो जाता है, मिट्टी में आकर मिल जाता है। किस किस विधि से? वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ऑक्सीजन हो गया मेन, है ना, चाहे HNO3 या HNO3 HNO2, है ना, ये O ज़्यादा देख रहे हैं ना, 2 है 3 है, मेन हो गया। और ये बिजली जो कड़कने से हो रहा है। दूसरा वाला में मेन क्या हो गया? जीवाणु, स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु और नीलारित, इसमें नाम याद रखना पड़ेगा। स्वतंत्र जीवी जीवाणु में राइजो वेक्टर, अब नहीं कर एक ही दिन में इतना सारा हो जाएगा, पर आपको रोज तो पढ़ना ही है, रोज जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा। 10 मिनट या आधा घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा एक सब्जेक्ट को, है ना, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके। अब औद्योगिक में क्या आ जाएगा मेन? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर ये क्या अमोनिया में बदल जाता है, NH3 NH, हम जाकर फिर मिट्टी में मिल जाता है, खाद के रूप में काम आता है, हो गया, मिट्टी की खाद बनाता है जो पेड़ पौधे आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप पता चला क्या है भैया? तीन तरीका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, तीन तरीका मतलब चला। हाँ तो फिर से आ जाएंगे हम लोग, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र के चार चरण है, कौन सा? ना अनाड़ी, ना अनाड़ी, ना अनाड़ी का ना कर लिए, ना का कितना चरण था? स्थिरीकरण का भी तीन चरण था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी तीन चरण, कौन कौन भी क्यों बोला हूँ, इसका तो चार था, नाइट्रोजन चक्र के चार चरण, ना नाड़ी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के तीन चरण है ना, कौन कौन? वायुमंडलीय स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सबके पीछे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब इसमें नाइट्रोजन चक्र में आ जाइए, नाइट्रोजन चक्र के चरण, इसमें एक नंबर देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, इसके सामने जोड़ जोड़ के बोलेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तीसरा औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और हल्का सा उसका जो उदाहरण है सिंपल में सामने आ चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब हम अमोनीकरण पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ना अनाड़ी का
अ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हार्मोनीकरण क्या है, कैसे होता है, इसका नाम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसके बारे में जानते हो हल्का फुल्का। बिजली कड़कता तो आप जानते ही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का बात कर रहा हूँ। बिजली कड़कता हम लोग देखें, बिजली कड़कता हुआ, बरसाव होता है वो देखते हैं, पर अंदर में क्या क्रिया हो रहा आप समझ में आ गया, वो मिल जाता है और आकर मिट्टी में मिल जाता है। और हमने शैवाल तो नहीं देखा है आंखों से, पर इतना तो एहसास कर सकते हैं, नाइट्रोजन हवा में है, कोई कोई प्राणी उसको सीधा ले लेता है, सीधा ग्रहण कर लेता है, तो सीधा लेने खाने वाले ही लोग हैं, ठीक है। स्वतंत्र जीवी जीवाणु, सजीवी जीवाणु और निर्हरित शैवाल, ये लोग हैं। अगला वाला जो है तीसरा क्या था, औद्योगिक। हमने खाद का नाम सुना है, अमोनिया खाद प्रयोग होता है, NH3 खाद का काम आता है, या मिट्टी पौधों को खाद कहाँ से मिलता है, यही खाद काम आता है। H क्या है, हाइड्रोजन के साथ, H के साथ कौन मिल जाता है, नाइट्रोजन, मिल का खाद बनाता है HN3 क्या NH3 NH3, ये समझ में आ गया एहसास इसका। और पेड़ पौधों को खाद भी चाहिए, तो ये अंदर अंदर ये सब काम होता है, समझे। अब अगला काम देखने जा रहे हैं, अमोनीकरण क्या है। अमोनीकरण क्या है, यह मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु, ये भी जीवाणु मिट्टी में पाया जाता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, नाम क्या है उसका, एक्टिनोमाइसेस। अंडरलाइन किया हुआ है नाम, तो इसका याद रखना पड़ेगा आपको, एक्टिनोमाइसेस द्वारा होता है, क्योंकि सिर्फ एक जीवाणु से हो रहा है ना ये वाला, वहाँ पर तीन चार बता, नाम क्या है, एक्टिनोमाइसेस। अमोनीकरण किसके द्वारा होता है, एक्टिनोमाइसेस द्वारा होता है। इसमें मृत पौधे माने मरे हुए पौधे और जंतु, माने पौधे और जंतु में अंडर इन्वर्टेड कमा दिया हुआ है ना, सिंगल मैं दोनों का आ गया, मरे हुए पौधे और जंतु, ठीक है, के शरीर के प्रोटीन का परिवर्तन अमोनिया में होता है। इसमें का मतलब कि एक्टिमाइनोस में नहीं, एक्टिनोमाइसेस में, देखो अमोनीकरण फिर से देखो अच्छा से, यह मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु एक्टिनोमाइसेस द्वारा होता है। आपको तो पता है ना, जो पहला नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका तीन भाग देख रहे हो, चार भाग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का दरअसल क्रिया है, क्रिया का नाम है ना, तो अमोनीकरण भी क्या है, क्रिया है, समझ में, सब क्रिया तीनों, तो अमोनीकरण एक क्रिया है, तो इसमें जो बोला गया, इसमें किसमें, अमोनीकरण में बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें मतलब अमोनीकरण में मृत पौधे और जंतु के शरीर के प्रोटीन, शरीर का प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन बताया है, शरीर का प्रोटीन परिवर्तन, प्रोटीन का परिवर्तन किस में होता है, अमोनिया में होता है। जिन जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ में यूरिया होता है, उस यूरिया का भी अमोनीकरण होता है, समझ में आया। तो मरे हुए पौधे और जंतु डिनोटिफिकेशन, तो क्या हो गया आपका, हम लोग क्या समझ रहे थे कि एक आपका ये उस जीव का नाम क्या है, जीवाणु का नाम अमोनीकरण में याद है, एक्टिनोमाइसेस। इससे बात समझ लीजिए, एक्टिनोमाइसेस हो गया, हो क्या रहा है, हर इंसान तो मरता है, धरती पेड़ पौधा भी सड़ेगा रहेगा, इंसान जीव जंतु सब मरेंगे, तो जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है, इनका प्रोटीन किसमें बदल जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, अमोनिया में, एक हुआ।
तो ये अमोनिया में कैसे बदलता है, किसके माध्यम से बदलता है, अपने आप किस जीवाणु के माध्यम से बदलता है, या एक्टिनोमाइसिस से बदलता है, किससे बदलता है, समझ में आ गया। देखो यह मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु एक्टिनोमाइसिस के द्वारा होता है। मतलब जब इंसान मतलब पौधे और जंतु जब मर जाते हैं, इनके शरीर को शरीर में शरीर का प्रोटीन को किसने बदल देते हैं लोग, अमोनिया में बदल देते हैं, समझ में आ गया। और जिन जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ में यूरिया होता है, उस यूरिया को भी अमोनीकरण कर देते हैं, ये यूरिया को भी क्या कर देते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं, हो गया। तो अब दाग लगाना है आपको, प्रोटीन का परिवर्तन, ये अंडरलाइन कर लीजिए इसका, प्रोटीन का परिवर्तन, हो गया। अब मैं इसको शॉर्ट बताऊं तो आप क्या बोलेंगे, अमोनीकरण में क्या बोलेंगे, नाम उस जीवाणु का नाम बताइए, एक्टिनोमाइसिस, क्या बोलेंगे, सुनिए, एक्टिनोमाइसिस द्वारा। अच्छा उसका जो उसका पहले उसका बता सकते हो क्या है जीवाणु वगैरह, ये तो चला जाएगा। एक्टिनोमाइसिस द्वारा मृत पौधे और जंतु, हो गया, के प्रोटीन का परिवर्तन, के प्रोटीन का अमोनिया में कर देना, इसको अमोनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो मृत पौधे और जंतु के शरीर के प्रोटीन का अमोनिया में बदल देने को अमोनीकरण कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है, क्या नाम है उसका, अब इसको पूरा ले लेंगे तो बोलेंगे मृत पौधे और जंतु के प्रोटीन तथा यूरिया को अमोनिया में बदल देने को, प्रोटीन भी है नीचे यूरिया भी है ना, पर यूरिया सब में पाया नहीं जाता है, जिसमें पाया जाता है, पौधा में यूरिया नहीं पाया जाता है, और किसके में पाया जाता है, यहाँ बोला जिसमें पाया जाता है बोला, ठीक है। तब इसको लेकर बोल सकते, कोई बात नहीं। तो मृत पौधे और जंतु के प्रोटीन और यूरिया को अमोनिया में बदल देने की घटना को, क्रिया को क्या बोलते हैं, समझा गया। मेन हुआ प्रोटीन को किसे बदल देना, प्रोटीन और यूरिया को किसे बदल देना, अमोनिया में बदल देना, आ गया अमोनीकरण। अगला है डीनाइट्रिफिकेशन है। तीसरा क्या है, नाइट्रिफिकेशन। तो फिर से हम लोग चलते हैं और यहाँ देखेंगे ये किसका चरण हो रहा है, फिर से नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन चक्र के चरण जो चार है, ना अनाड़ी है ना, नाइट्रोजन चक्र के चरण जो चार है इसमें से नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसके बारे में ही हो रहा है। वो पूरा हो गया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो हुआ था, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तीनों हो गया था, इसमें अमोनीकरण भी पूरा हो गया। अब तीसरा नंबर में है, हम क्या है, नाइट्रिफिकेशन है ना, नाइट्रिफिकेशन। यहाँ देखते हैं ये भी एक क्रिया है, और क्या क्रिया, देखिए वह क्रिया जिसके द्वारा अमोनिया, क्या अमोनिया से, ये तो ये अमोनिया में बदल दिया, अमोनियाकरण में अमोनिया में बदला है ना, और नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट प्राप्त होता है, इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो आपको अंडरलाइन करना है, अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट, अंडरलाइन कर लीजिए, अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट, हो गया। तो नाइट्रिफिकेशन क्या कहे, तो अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने की क्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, हो गया। इसमें पहले जीवाणु, अब जीवाणु कौन कौन लगता है ये तो याद रखना पड़ेगा, पहले जीवाणु क्या है, इसमें पहले जीवाणु नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में, फिर जीवाणु नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। समझ में कैसे बदल रहा है,
ये प्रोसेस हुआ। पहले क्या किया जाता है, पहले अमोनिया को नाइट्राइड में बदलता है, फिर नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलते हैं। पहले अमोनिया को इसमें बदला जाता है। अब देखिए नाइट्रिफिकेशन किसे कहा गया है, अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट और नाइट्राइट, अमोनिया से नाइट्राइट, यही ना हो रहा है। पहले अमोनिया, उसके बाद अमोनिया किस में जा रहा है, नाइट्रेट में, फिर नाइट्रेट किस में जा रहा है, हो गया। ये अपने आप तो होगा नहीं, करने वाले जीवाणु है ना। तो पहले क्या है, अमोनिया से नाइट्रेट ये कौन ले जाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में कौन ले जाता है, नाइट्रेट में जीवाणु नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोको कॉकस, है ना, अमोनिया को नाइट्राइट में ले जाता है। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन ले जाता है, आप लोग समझ गए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नाइट्रिफिकेशन, है ना। मेन क्या है, अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, और करने वाले कौन है, इसका नाम है ना, नाम हमने का परीक्षा तो अभी 6-7 महीना बाकी है ना, रोज थोड़ा तो देखेंगे, ये सब नाम बैठ जाएगा, धीरे धीरे जान पहचान होगा, रोज देखेंगे। तो आगे तो पहले आप खाली ये प्रोसेस याद रखिएगा कि अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, हो गया। अगला है डी नाइट्रिफिकेशन, है ना, लास्ट है ये, वह क्रिया जिसके द्वारा नाइट्रेट से नाइट्रोजन, अब वह कहाँ से कहाँ तक आए थे, अभी अमोनिया आ गया था, है ना, वहाँ ये नाइट्रिफिकेशन में क्या आया गया, देखें नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल गए। अब यहाँ में क्या हो रहा है, वह क्रिया जिसके द्वारा नाइट्रेट से नाइट्रोजन वायुमंडल में मुक्त होता है उसे डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर हवा में चला गया, हवा से शुरुआत किया था, हवा से शुरुआत किया था ना, हवा से पहले क्या किया था आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ था, जीव वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। होने के बाद मिट्टी में आया, मिट्टी में आने के बाद ये जो जीव है आपका, उसके द्वारा किस में अमोनीकरण हुआ, अमोनिया बदल गया, खाद में आ गया। फिर अमोनिया के बाद नाइट्रोफिकेशन हुआ, है ना, नाइट्रिफिकेशन के बाद फिर क्या हो गया, डी नाइट्रिफिकेशन होगा, हवा में फिर मिल गया। ये चक्र देख रहे हैं, इसी चक्र को ही तो बोला जाता है। फिर इसमें, अच्छा इसमें जीवाणु कौन भाग रहा था वो भी देखिए, सब जीवाणु के द्वारा होता है यह क्रिया। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु सीडोमोनस और बेसिलस डी नाइट्रिफिकेशन द्वारा होता है, हो गया। इसमें जीवाणु हीरो है, जीवाणुओं का नाम आपको याद होना पड़ेगा, समझ में आ गया। ये कंप्लीट हो गया, अब हम चित्र में आते हैं। चित्र आप देख रहे हैं, जो आप पढ़े हो उसी को चित्र में दिया गया है, और परीक्षा में देता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, मतलब चित्र बनाकर बता दीजिए। तो देखिए पहले शुरू में आ जाइए, वायुमंडल नाइट्रोजन बीच में ऊपर में देख रहे हैं, 78.09%। वहाँ से तीर देख रहे हैं, वहाँ से पहला क्रिया क्या हो रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका मतलब क्या हुआ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यहाँ पीछे का नहीं लिखा हूँ। इसके बाद तीनों कहाँ चले जाते हैं भैया, मिट्टी के नाइट्रोजन युक्त यौगिक बन जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। वहाँ से फिर क्या होते हैं, पौधा में जाते हैं, पौधा लेता है ना उसको, पौधा से कुछ हम लोग खाते हैं, तो प्राणी में चला आया, आएगा ना, तो प्राणी भी मरेंगे और पौधा भी मरेगा, दोनों मरेगा तो कहाँ जाएगा, मृत शरीर हो जाएगा। मृत शरीर के अब काम देखिए, यहाँ तक जो हुआ उसको बोले नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, क्या था हुआ, मृत शरीर से जैसे अमोनिया में बदल रहा है, तो इसका नाम होगा अमोनीकरण। देखो एकदम सिंपल नाम है, मृत शरीर से अमोनिया में आ गया ना, इसका नाम क्या पड़ा, अमोनीकरण। अब अमोनिया से नाइट्राइट में आ गया, इसका नाम क्या पड़ा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्राइट से किस में आ गया, नाइट्रेट में, इसका नाम क्या पड़ा, नाइट्रिफिकेशन। इसका भी नाम वही है ना, नाइट्रेट से नाइट्रेट में तो वही ना नाम है नाइट्रिफिकेशन का। फिर नाइट्रेट से आ गया आपका नाइट्रोजन मुक्ति में, तो इसका नाम क्या हुआ, नाइट्रोजन मुक्ति, मतलब वायुमंडल। ये प्रोसेस देख रहे हैं,
याद हो जाएगा। हम लोग इसके बारे में हम लोग देखें, इसमें वहाँ हम होता है कि इसके अंदर जो भाग लेने वाले जीवाणुओं का नाम। अब आगे आते हैं, आखिरी है मनुष्यों के नाना क्रियाकलाप, मतलब हम लोग जो भी क्रियाकलाप करते हैं। पीछे पन्ना में देखिए, जैसे खाद का व्यवहार है ना, सार बोलते हैं, के फलस्वरूप जीव जगत एवं मिट्टी जल और वायुमंडल के बीच आवर्तित होने वाले नाइट्रोजन का परिमाण बहुगुना बढ़ गया है, लेन देन होने से बहुत गुना बढ़ गया है। इसमें निम्नलिखित घटनाएं घट रहा है। पहला, नाइट्रस ऑक्साइड N2O नामक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस का परिमाण वायुमंडल में बढ़ गया है। नाइट्रस ऑक्साइड का नामक, क्या बढ़ गया है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखेंगे इसको, ये वर्ड याद रहेगा, बढ़ गया है। दूसरा दाग लगा लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देखिए विज्ञान है, इसमें ज़्यादा वर्ड चेंज होगा नहीं, यही हमेशा रहेगा जब भी पढ़ेंगे तो, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उसके बाद क्या है दूसरा नंबर? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस से नाइट्रिक हो गया, NO के बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ गया है, ये भी दाग लगाइए, पूछा जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला है तीसरा, कई क्षेत्रों की मिट्टी नदियों और झीलों में क्या बढ़ गया है? अम्लीयता एसिड, दाग लगा लीजिए, अम्लीयता बढ़ गई है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, खट्टापन बढ़ गया, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रोजन चक्र का महत्व, देखिए नाइट्रोजन चक्र का महत्व आखिरी है टॉपिक 5 का 1, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र के कारण ही बीज फल फूल का क्या होता है? विकास होता है। दूसरा, नाइट्रोजन चक्र के कारण ही विश्व में नाइट्रोजन की मात्रा में सामंजस्य रहता है, मैंने कहीं ज़्यादा कम नहीं, हमेशा सामंजस्य रहता है, जितना जरूरी उतना ही, ठीक है। तीसरा है, नाइट्रोजन हमारे शरीर में प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। प्रोटीन किससे बनता है? नाइट्रोजन से ही बनता है। ये आपका पूरा का पूरा हो गया, समझ में आ गया, पार्ट शेष हो गया पहला। इससे प्रश्न है 2017 में, मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ, आप कोशिश करिए तो देने का। स्यूडोमोनस जीवाणु थोड़ा देखिए कहाँ पर, स्यूडोमोनस जीवाणु नाइट्रोजन चक्र के किस अवस्था में पाया जाता है, यही पूछा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या अमोनीकरण, कहाँ पाया जाता है, मिला किसमें है? डीनाइट्रिफिकेशन में आइए, डीनाइट्रिफिकेशन 4 नंबर, स्यूडोमोनस मिला, हाँ। तो ये देख रहे हैं कहाँ से पूछा, ये 2017 का क्वेश्चन है, MCQ 2017 में दो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जियो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जियो नाइट्रोजन स्थिरीकरण फट से निकाल लीजिए, उसमें देखेंगे कि विधि में भाग लेने वाले दो सूक्ष्म जीवों का नाम लिखो, देख रहे हो, जियो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम देख रहे हो, मैंने कहा था ना आपको नाम देखो, जियो नाइट्रोजन स्थिरीकरण देख रहे हो, एजेक्टोबैक्टर, क्लोसिस्ट्रियम, राइजोबियम, देख रहे हैं, जीवाणु को बोला सवाल नहीं, एना बिना नॉन स्टॉक नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हो गया आपका, कोई भी दो लिख देंगे, 2017 का हो गया। अब 2018, 2019, 2020 में जो जो प्रश्न में हल्का सा पढ़ रहा हूँ, नाइट्रिफिकेशन में कौन सा जीव निम्न में से भाग लेता है? नाइट्रिफिकेशन में मैं नाम बता रहा हूँ, नाइट्रिफिकेशन में आ जाइए और देखिए, नाइट्रोसोमोनस, एजोटोबैक्टर, कूटपात, थायोबेसिलस, कहा है इसमें से थायोबेसिलस, तो नाइट्रोसोमोनस है, हाँ। ये हो गया, अगर वहाँ पर कुछ नाम इधर लिखने हैं तो क्वेश्चन पेपर में जो आता है ना वही नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मनुष्य के क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन चक्र प्रभावित हुआ है, आखिरी वाला जो बताया था खाद उद वाला है, पीछे बनना लास्ट में जो पढ़े, दो घटनाओं को उल्लेख करके उपयुक्त वाक्यों को बताइए कि मनुष्य के क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन चक्र प्रभावित हुआ है, कैसे? यही जो
नाइट्रस ऑक्साइड नामक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस का परिमाण वायुमंडल में बढ़ गया है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ गया है, समझा गया? यही में दो को बता देंगे। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र के किन्हीं तीन चरण में, कितने चरण में बैक्टीरिया के भूमिका का विश्लेषण करें। जीवाणु माने बैक्टीरिया, तो किस कौन कौन चरण में कैसे बैक्टीरिया का भूमिका है, देख रहे हो? तीन चरण नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, कोई भी तीन चरण बोला है। नाइट्रोजन कितने चरण है, नाइट्रोजन कितने चरण है? चार। और किसी तीन का बोला है नाइट्रोजन, किसका भूमिका बताना है? बैक्टीरिया का, क्या क्या करते हैं, ठीक है? तीन नंबर का है। और आगे बढ़ते हैं हम, मानव के विभिन्न कार्यकलापों से निम्न प्रक्रियाओं का नाइट्रोजन चक्र में क्षति के बीच संबंध स्थापित करें। वैश्विक उष्णता, मृदा मंद मिट्टी, मृदा तथा नदी और झील के पानी का अम्लीकरण कैसे हुआ है, वैश्विक उष्णता कैसे बढ़ रहा है, जो आपका पीछे वाला ही है, इसके बारे में बताना है। बस ये 2020 में आया था अभी।